नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। नीट यूजी परीक्षा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया। एनटीए ने अपने जवाब में कहा कि यह कोई सिस्टेमेटिक फेलियर नहीं है। एनटीए ने बताया कि पेपर लीक की बिहार में जिन घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है उनकी जांच चल रही है। बिहार की घटना पर एक आपराधिक गतिविधि है। एनटीए का कहना है कि परीक्षा की पवित्रता पर कोई बड़ा दाग नहीं है और 25 लाख छात्रों का दोबारा परीक्षा कराने का माहौल बनना देश के भविष्य से खिलवाड़ होगा। एनटीए का कहना है कि हमने इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 17 संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम रोक दिए हैं। सीजेआई ने कहा कि अगर 1,08,000 लोगों को एडमिशन मिलता है, बाकी 22 लाख लोगों को दाखिला नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं से कहा, पहले फैक्ट्स पर बात करें, 1,08,000 में से कितने याचिकाकर्ता हैं? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 131 छात्र दोबारा परीक्षा चाहते हैं, जबकि 254 छात्र दोबारा परीक्षा के खिलाफ हैं। 131 छात्र ऐसे हैं जो 1,08,000 के अंदर नहीं आते हैं, जो दोबारा परीक्षा चाहते हैं, और 254 छात्र ऐसे हैं जो 1,08,000 के अंदर आते हैं और जो दोबारा परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि आईआईटी मद्रास का एक निदेशक एनटीए के गवर्निंग बॉडी में है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि अगर 23 लाख लोगों के लिए डेटा एनालिटिक्स करना है तो किस स्टेज पर किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है वो बताया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा एनटीए और सरकार अंकों में हुई वृद्धि के लिए दो कारण बताए हैं, जिसमें पहला पाठ्यक्रम में कमी और दूसरा उम्मीदवारों में वृद्धि, लेकिन अपने जवाब में पूरी जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में भी वृद्धि हुई है जो नहीं बताई गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा एनटीए का कहना है कि टॉपर्स अलग अलग शहरों से हैं, लेकिन जो डेटा देते हैं वो सिर्फ 17 छात्रों का है। सीजेआई ने टॉप 100 का लिस्ट को इस दौरान पढ़ते हुए कहा कि 100 टॉपर्स में से आंध्र प्रदेश से 7, बिहार से 7, गुजरात से 7, हरियाणा से 4, दिल्ली से 3, कर्नाटक से 6, केरल से 5, महाराष्ट्र से 5, तमिलनाडु से 8, उत्तर प्रदेश से 6, पश्चिम बंगाल से 5। इससे लगता है कि 100 टॉपर्स देश के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं। इससे पता चलता है कि टॉप करने वाले देश भर से थे। याचिकाकर्ता 571 शहरों की बात कह रहे हैं। एनटीए का कहना है कि टॉपर्स अलग अलग शहरों से हैं, लेकिन जो डेटा देते हैं वो सिर्फ 17 छात्रों का है। एनटीए ने कहा कि देश भर के टॉप 100 छात्रों का एनालिसिस हुआ है, जिसमें ये पता लगा कि टॉपर्स अलग अलग राज्य और अलग अलग सेंटर के हैं। एनटीए ने कहा कि परीक्षा से केवल 2 दिन पहले केंद्र आवंटन किया जाता है, जिससे कोई यह नहीं जान पाता कि कौन सा केंद्र छात्र को आवंटित किया जाएगा। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको बताना है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, आप हमें कुछ ठोस आधार दें। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि 550 से 720 अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 5 गुना है। सीजेआई ने कहा
क्या यह लीक का संकेत हो सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि यह खतरे की घंटी है। याचिकाकर्ता का दावा प्राइवेट कुरियर कंपनी के जरिए पेपर शहरों में भेजे गए 571 शहरों के SBI और केनरा बैंक में भेजा गया। कुरियर के भेजने और बैंक तक पहुंचने में 9 दिनों का समय लगा। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि CBI ने प्रिंटर से लेकर सेंटर तक की पूरी चेन की जांच की है, जिसमें सीलिंग कैसे हुई, GPS ट्रैकिंग कैसे हुई, डिजिटल लॉकर कैसे हैं, इसकी जानकारी दी गई। CJI ने याचिकाकर्ता से सवाल करते हुए कहा कि पैसे के लिए पेपर लीक करने वाला अन्य लोगों को पेपर क्यों देगा। CJI ने कहा, नीट परीक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर तमाशा बनाने का कोई विचार नहीं रहा होगा, क्योंकि ऐसे लोग पैसे के लिए ऐसा कर रहे थे, इसलिए जो कोई भी इससे पैसा कमा रहा होगा वो इसे बड़े पैमाने पर प्रसारित नहीं करेगा। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से हुड्डा ने कहा था कि परीक्षा से एक दिन पहले टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न पत्र प्रसारित किया गया था, जो एक व्यवस्थित विफलता है और परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया। CJI ने पूछा कि इसे चैनल पर कब डाला गया। NTA ने कहा कि यह छेड़छाड़ किया वीडियो था, जबकि वास्तविक समय 5 मई को शाम 5:40 का है। CJI ने SG से पूछा कि आपने नीट के पेपर भेजने के लिए एक निजी कुरियर कंपनी को नियुक्त किया है। CJI ने SG के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उनके हिसाब से छात्रों को पेपर रटाया गया था, जिसके मतलब यह है कि पेपर परीक्षा के दिन 5 मई की सुबह नहीं बल्कि 4 मई की रात में हुआ, क्योंकि पेपर सॉल्व कर लिया गया था ताकि पेपर रटाया जा सके। CJI ने कहा, यानी लीक हजारीबाग में हुआ, फिर पटना तक पहुंचा, लेकिन सवाल ये है कि एक घंटे में पेपर सॉल्व कैसे हुए। मतलब यह है कि शुरुआत में ब्रीच हजारीबाग में हुआ, हजारीबाग में पेपर सॉल्व हुआ और पटना भेजा गया, सब कुछ 45 मिनट में हुआ। CJI ने कहा, बेशक हजारीबाग और पटना में ब्रीच हुआ है, हम जानना चाहते हैं कि कितने छात्र क्वालिफाई किए हैं। CJI ने अपने आदेश में बिहार पुलिस और EOU की जांच रिपोर्ट भी सोमवार को तलब की। कोर्ट ने आदेश में NTA को शनिवार को 12 बजे तक छात्रों के मार्क्स सेंटर की लिस्ट के साथ जारी करें, लेकिन छात्रों के नाम नहीं दिए जाएं। CJI ने शनिवार को 12 बजे तक NTA सेंटर के साथ छात्रों के मार्क्स जारी करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को अंतिम सुनवाई करेगा। उधर दिल्ली की नई शराब नीति के घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा CBI के मामले में जमानत की मांग और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले पर अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम CBI के मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं, क्योंकि PMLA का भी मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश ये बताते हैं कि अरविंद रिहाई के हकदार हैं, उन्हें रिहा होना चाहिए, उनके देश छोड़कर जाने का खतरा भी नहीं है। सिंघवी ने कहा कि CBI ने जो गिरफ्तारी की है उसका कोई आधार नहीं, मामला दर्ज होने के लगभग 2 साल बाद गिरफ्तार किया। ED मामले में मुझे निचली अदालत ने जब जमानत दी उसके बाद 26 जून को CBI एक्टिव हुई और केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मुझे वेकेशन जज के समक्ष पेश किया गया। सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले का हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान लगातार मामलों में बरी हो रहे थे, लेकिन बार बार अलग अलग मामले में उन्हें फिर जेल में डाला गया, लेकिन ये हमारे देश में नहीं हो सकता। सिंघवी ने कहा, CBI ने नहीं बताया कि मेरी गिरफ्तारी की क्यों जरूरत है। सिंघवी ने कहा, इस केस में मेरी गिरफ्तारी संविधान के आर्टिकल 14, 21 और 22 के तहत मिले मूल अधिकारों का हनन है। मई गिरफ्तारी के लिए CBI ने ट्रायल कोर्ट को सिर्फ एक वजह बताई कि मैं उनके सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था।
सिंघवी ने कहा कि इस मामले के 5 मुख्य आरोपियों को जमानत मिल गई है, जबकि 9 आरोपियों को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। सिंघवी ने कहा कि हाल ही के दिनों में 5 बार केजरीवाल का ब्लड शुगर 50 से नीचे चला गया है। कृपया इसका ध्यान अदालत रखे और मामले का फैसला करे। सीबीआई की तरफ से डीपी सिंह ने कहा कि सिंघवी ने इंश्योरेंस गिरफ्तारी शब्द अपनी तरफ से गढ़ा है, जो अनुचित है। सिंघवी का कहना है कि सीबीआई ने उनसे 9 घंटे तक पूछताछ चली, हमारे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। सीबीआई ने कहा हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिकाएं दायर की गई हैं। आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है जो कहता हो कि हम प्रक्रिया या अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सीबीआई ने अरविंद की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा, याचिकाकर्ता ने मामले में आगे की प्रगति को रोकने के लिए कानून की जटिलताओं का दुरुपयोग करके न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत का मामला है, यह गिरफ्तारी से अलग है। सिंघवी ने भी कहा कि अदालत सही कह रही है, क्योंकि अगर यह साबित हो जाता है कि गिरफ्तारी अवैध थी तो जमानत का मामला ही नहीं बनता। जबकि सीबीआई का कहना है कि पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर दलील दी जाए। इस पर सिंघवी ने कहा, आप अंतरिम जमानत पर फैसला दे दें, आप पहले इस बात को देखें कि अरविंद केजरीवाल क्या जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या वो देश छोड़कर तो कहीं नहीं जा रहे हैं। वहीं अगर गिरफ्तारी अवैध है तो अवैध गिरफ्तारी पर तो बहस नहीं हो सकती। अगर कोर्ट को फैसला सुरक्षित रखना है तो एक याचिका पर ही क्यों फैसला सुरक्षित रखें, दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लें। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि उन्हें ऑर्डर लिखने के लिए कम से कम 6 से 7 दिनों का समय लगेगा। इसके अलावा केजरीवाल की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 29 जुलाई को सुनवाई करेगी। दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस केबी विश्वनाथ की बेंच ने मामले की सुनवाई की। मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहले की जमानत अर्जी को संशोधित करने की मांग की। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट उनकी निस्तारित याचिका को फिर से शुरू करे, क्योंकि ट्रायल को शुरू होने में अभी समय लगेगा। सुनवाई के बाद जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत की मांग की गई याचिका पर नोटिस जारी करते हुए 29 जुलाई को मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। मनीष की तरफ से कहा गया कि वो पिछले 16 महीने से जेल में बंद है, मामले का ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अभी भी ट्रायल का स्टेज वही है जो अक्टूबर 2023 में उसका स्टेज था, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो आप दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर मुकदमे में कोई प्रगति नहीं होती है तो उसे एक बार फिर से इस पर विचार करने की छूट दी जाए। शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में आप नेता पर मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया, लेकिन इसमें हुए तथाकथित घोटाले के आरोप में आपके कई नेता जेल गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति मामले में ही जेल में बंद हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस केस में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 2015 में जारी किए गए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल दूसरे समुदाय के साथ मिला दिया गया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों में बदलाव करने की कोई क्षमता नहीं है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर अत्यंत पिछड़ी जातियों की सूची से तांती तंतुआ को हटाने का राज्य द्वारा औचित्य हो सकता है। वहीं राज्य ने अनुसूचित जाति की सूची में दूसरे समुदाय यानी पान सवासी पनर के साथ विलय करने की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि हाईकोर्ट ने अधिसूचना को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अपीलकर्ता के इस तर्क से सहमत होते हुए कि राज्य सरकार के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी प्रविष्ट में जाति या उपजाति को जोड़ने की कोई शक्ति नहीं है। जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि राष्ट्रपति के आदेश के तहत प्रकाशित सूची में कोई भी संशोधन जोड़ विलोपन या संशोधन केवल संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। न्यायालय ने कहा, यह दलील कि अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की सिफारिश राज्य के लिए बाध्यकारी थी, यहां निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि यदि हम दलील को स्वीकार भी कर लें तो ऐसी सिफारिश केवल अत्यंत पिछड़े वर्गों से संबंधित हो सकती है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में किसी जाति को शामिल करना या बाहर करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की याचिका खारिज की। याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो के आय से अधिक संपत्ति मामला खारिज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। शिवकुमार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी प्राप्त किए बिना जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह मुद्दा कि क्या धारा 17A 2018 के संशोधन से पहले कथित रूप से किए गए अपराधों पर लागू होती है, उसको बड़ी पीठ को भेजा जाता है। हालांकि जस्टिस त्रिवेदी ने जवाब दिया कि कार्यवाही को विभाजित फैसले के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। रोहतगी ने कहा कि वह केवल याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं। हालांकि खंडपीठ ने अनिच्छा व्यक्त की। जस्टिस त्रिवेदी ने आरोप पर गौर किया कि शिवकुमार से 41 लाख रुपए बरामद किए गए। रोहतगी ने स्पष्ट किया कि यह आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही में आरोप था। उन्होंने तर्क दिया कि इसी मुद्दे पर सीबीआई की एफआईआर नहीं हो सकती। असहमति जताते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अलग अपराध से संबंधित है। न्यायाधीश ने कहा कि आयकर अधिकारी पीसी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चला सकते। खंडपीठ ने सीबीआई को दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर भी अपनी असहमति व्यक्त की। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, हाईकोर्ट मंजूरी पर रोक कैसे लगा सकता है, यह अनसुना है। इस पहलू पर शिवकुमार के वकीलों ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली है। असहमति जताते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अलग अपराध से संबंधित है। न्यायाधीश ने कहा कि आयकर अधिकारी पीसी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चला सकते। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला के तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां सुनवाई हुई। जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने उमर अब्दुल्ला की याचिका पर पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया। दरअसल उमर द्वारा क्रूरता के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक की मांग वाली अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से क्रूरता के आधार पर तलाक मांगने वाली याचिका पर सोमवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया
और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि दंपत्ति की शादी खत्म हो चुकी है क्योंकि वो पिछले 15 साल से अलग अलग रह रहे हैं। सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की, जो सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह विच्छेद के लिए पहले भी इस प्रावधान का इस्तेमाल किया है। उमर अब्दुल्ला ने 2016 में निचली अदालत के परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें निचली अदालत ने उमर अब्दुल्ला को क्रूरता के आधार पर तलाक देने से इनकार कर दिया था। मामले में पारिवारिक अदालत ने पाया था कि अब्दुल्ला द्वारा पायल अब्दुल्ला के खिलाफ क्रूरता के आरोप अस्पष्ट थे। इसके अलावा वो पायल अब्दुल्ला द्वारा शारीरिक और मानसिक क्रूरता के किसी भी कृत्य को साबित करने में उमर अब्दुल्ला विफल रहे, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि उसे पारिवारिक अदालत के आदेश से सहमति जताते हुए कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं मिली। उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की 1 सितंबर 1994 को शादी हुई थी और आपसी विवाद के कारण वो वर्ष 2009 से अलग रह रहे हैं। उनके 2 बेटे हैं। उधर राजस्थान की एक अदालत ने दरगाह के मौलवी सैयद गौहर हुसैन चिश्ती और 5 अन्य को भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ जून 2022 में सर तन से जुदा के नारे लगाने के आरोप से बरी कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु मीणा ने सभी 6 आरोपियों को बरी करते हुए फैसला सुनाया। चिश्ती और अन्य के कथित तौर पर मई 2022 में नुपुर शर्मा की टिप्पणियों के खिलाफ अजमेर में एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में गुस्ताखी अनबी के एक ही सजा सर तन से जुदा का नारा लगाया गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद चिश्ती ने अजमेर छोड़ दिया और हैदराबाद में शरण ली, जहां से उन्हें 15 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 115 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना यदि अपराध नहीं किया गया हो, 117 जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए उकसाना, 143 अवैध भीड़ का सदस्य होने के लिए दंड, 149 अवैध भीड़ का प्रत्येक सदस्य समान उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी, 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा, 302 हत्या के लिए दंड, 504 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना और 506 आपराधिक धमकी के लिए दंड के तहत मामला दर्ज किया गया। राज्य के अनुसार वीडियो के व्यापक प्रसार के कारण अमरावती और उदयपुर में सिर काटने की घटनाओं के कारण धारा 155 गैर संज्ञेय मामले की सूचना और ऐसे मामलों की जांच और 302 हत्या प्रावधान लागू किए गए। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।